मैथमेटिशियन कम्युनिटी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे जनजातीय पर्व और त्यौहार के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये पर्व और ये जो त्यौहार है ये क्या सेम वर्ड्स हैं कि इनकी मीनिंग अलग अलग होती है। हम कभी भी जब पर्व और त्यौहार को साथ में बोलते हैं तो हम कभी भी पर्व या त्यौहार नहीं कहते, हम क्या कहते हैं, पर्व और त्यौहार कहते हैं। तो ये जो पर्व और त्यौहार है इसमें कुछ तो डिफरेंस होगा ना, तो पहले हम ये जान लेते हैं। ठीक, तो जैसे कि त्यौहार, त्यौहार मतलब कि तय, कोई तय तिथि होती है या फिर कोई वार। ठीक, इसका जो अपभ्रंश है वो क्या बना आपका, त्यौहार बना। ठीक, अब देखते हैं कि पर्व और त्यौहार में डिफरेंस क्या है। तो ये जो पर्व है ये सामूहिक समारोह होता है जो कि व्यापक दृष्टिकोण से होता है। व्यापक दृष्टिकोण से मतलब कि बहुत ही भव्य तरीके से इसे मनाया जाता है, सामूहिक रूप से मनाया जाता है, इसे क्या कहते हैं, हम पर्व कहते हैं। और त्यौहार कौन सा होता है, कोई तिथि या वार, जैसे कि नवरात्रि हो गया, नवरात्रि की बात कर ले, पूर्णिमा हो गया, अमावस्या हो गया, या फिर किसी की जयंती हो गई। तो ये क्या होता है, ये सामूहिक समारोह का एक छोटा सा रूप होता है। ठीक, तो अभी आप लोगों ने क्या समझा कि पर्व क्या होता है और त्यौहार क्या होता है। ठीक, मतलब कि ये कोई किसी भी सामूहिक समारोह का ये एक बड़ा रूप होता है और एक क्या होता है, ये छोटा रूप होता है। अब हम ये पर्व और त्यौहार मनाते क्यों हैं, हमारे मन में ये भी सवाल आएगा। तो चूंकि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, जनजातियों के पर्व और त्यौहार की बात कर रहे हैं, तो हम जनजाति के दृष्टिकोण से देख लेते हैं। तो इनकी जो संस्कृति है, ये आप लोगों को पता है कि आदिवासियों की जो संस्कृति होती है वो उनकी सबसे बड़ी विशेषता होती है, जो कि पुरातन जमाने से चली आ रही है और आज भी उनके साथ में है। तो इस पर्व और त्यौहार में ये क्या कर, ये खुशी का अवसर होता है, सामाजिक समारोह होता है जहाँ पर लोग एक दूसरे से मिलते हैं, जहाँ पर आम लोगों के बीच परस्पर कनेक्शन होता है, सामाजिक सहअस्तित्व की भावना जागती है और इनके प्रकृति प्रेम को भी ये फेस्टिवल शो करता है। ठीक, इनकी डेली लाइफ में जो भी चल रहा है, जो भी मान्यताएं हैं उनको शो करने के लिए, उनकी संस्कृति को शो करने के लिए क्या होते हैं, ये लोग फेस्टिवल मनाते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर जो मैंने त्यौहार और पर्व को जो बाइफरकेट किया है वो जनजातियों के बेस पे किया है। जनजातियों के बेस पे क्यों किया है, क्योंकि PGPSC में जब भी क्वेश्चन पूछता है तो मैक्सिमम टाइम वो ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि गोंड जनजाति द्वारा इनमें से कौन सा त्यौहार नहीं मनाया जाता, या फिर वो किसी फेस्टिवल का नाम दे देगा लाइक मेघनाथ पर्व और बोलेगा कि यह त्यौहार या यह पर्व जो है किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो इसलिए मैंने जो बाइफरकेशन किया है वो ट्राइबल बेसिस पे किया है। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन सी जनजातियाँ किस किस टाइप का फेस्टिवल मनाती हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे गोंड की। गोंड जो है यहाँ पर नवाखानी, गौरा गौरी, माटी त्यौहार, मेघनाथ पर्व, नावान और कर्मा पर्व मनाती है। ठीक, सबसे पहले हम बात करेंगे गोंड जनजाति की, तो आइए देखते हैं हम इनके फेस्टिवल्स को। तो सबसे पहला नाम है नवाखानी। ये नवाखानी क्या होता है, नवाखानी मतलब कि नया खाना। ठीक है, ये इसी शब्द से मिलकर बना है, नया खाना। क्या होता है कि जब ये लोग फसल बो चुके होते हैं बारिश के मौसम में और ये फसल पक के तैयार हो चुका रहता है, कौन से माह में, भादों के माह में, भादों मतलब कि सितंबर का महीना होता है, जहाँ पर ये क्या करते हैं कि शुक्ल पक्ष, जहाँ पर इनका फसल पक के रेडी हो जाता है, तो भादो शुक्ल से लेकर भादो पूर्णिमा तक। अब देखिए ये जो हिंदी कैलेंडर होता है वो कैसा होता है, 30 डेज का होता है, जहाँ पर पहले क्या होता है कृष्ण पक्ष होता है और नेक्स्ट में क्या होता है शुक्ल पक्ष होता है। ये पहला दिन है आपके हिंदी कैलेंडर का, जो कि कहाँ से स्टार्ट होता है, 21 मार्च से स्टार्ट होता है, 20 अप्रैल तक होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, चैत्र कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, 15वें दिन में अमावस्या होता है और ये 15वां दिन जो होता है वो पूर्णिमा का होता है। ठीक, तो ये शुक्ल पक्ष से लेकर पूर्णिमा तक। ठीक है, यदि ये मैंने आपको अप्रैल की बात बताई, तो उसी प्रकार यदि हम भादों की बात करें, शुक्ल पक्ष से लेकर पूरे पूर्णिमा तक नवाखानी का फेस्टिवल मनाया जाता है। ये तो बात हो गई कि कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, तो नए खाने की पूजा करने के लिए। जो भी खेत में इनके फसल उगे होते हैं, जो भी नया अन्न आया होता है, ये सबसे पहले किसे सौंपते हैं, जो इनके कुल देवता होते हैं उनको सौंपते हैं। तो ये क्या करते हैं कि इस फेस्टिवल के दौरान ये जो भी इनका जो नया अन्न होता है उसकी पूजा करते हैं
और अपने देवी देवताओं को अर्पित करते हैं, उसके बाद ही ये अन्न ग्रहण करते हैं। तो मेनली इस फेस्टिवल में क्या हो रहा है, नए अन्न की पूजा हो रही है उसे ग्रहण करने से पहले। ठीक, अब नेक्स्ट बात करेंगे हम गौरा गौरी पर्व की। तो गौरा गौरी पर्व जो है ये भी गोंड जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। क्या लोक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि दिवाली के दिन ही शिव और पार्वती माता की शादी हुई थी, उनका विवाह जो हुआ था दिवाली के दिन हुआ था। तो जो गोंड जनजाति के लोग हैं उस दिन शिव और पार्वती, गौरा मतलब कि शिव जी और गौरी मतलब कि पार्वती, दोनों का विवाह रचाते हैं। क्या होता है कि गोंड समुदाय की जो महिलाएं होती है वो शाम को क्या करती है, जो भी कुंवारी महिलाएं होती है वो शाम को मिट्टी की प्रतिमा बनाती है गौरा की और गौरी की, और उसे पृथक पृथक स्थानों में रख देती है। फिर रात को क्या होता है, इनका विवाह रचाया जाता है इनकी प्रतिमा का, और इस दिन भीमसेन देवता की भी प्रतिमा बनाई जाती है। और उसके बाद क्या होता है कि दूसरे दिन ये जो प्रतिमा होती है उसका गांव भ्रमण कराया जाता है और उसे ठंडा कर दिया जाता है। तो इस प्रकार ये फेस्टिवल मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं माटी तिहार। देखिए, माटी शब्द से ही समझ में आ रहा है कि ये कुछ माटी से रिलेटेड है। चैत्र माह की बात है, चैत्र अर्थात क्या होगा आपका, अप्रैल का महीना। ठीक है, चैत्र माह में ये माटी त्यौहार मनाते हैं, माटी का त्यौहार मनाते हैं। क्या होता है इस माटी त्यौहार में, माटी का जो एक्चुअल स्वरूप होता है मतलब कि भूमि, ये भूमि की पूजा करते हैं। इस दिन ये क्या करते हैं कि जो भी देवगुड़ी का परिसर होता है, जहाँ इनके देवी देवता निवास करते हैं, जहाँ इनके जो भी स्थानीय देवी देवता होते हैं वो निवास करते हैं, वहाँ पर ये जाते हैं और भूमि का थोड़ा सा गड्ढा कर लेते हैं, और गड्ढा करने के बाद क्या करते हैं, उसमें सियाड़ी रस्सी से बंधा हुआ जो धान का बीज होता है वो मिट्टी को अर्पित करते हैं, और क्या करते हैं कि और मिट्टी की पूजा करते हैं। इस प्रकार इस फेस्टिवल को बीज पुटनी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बीज पुटनी। कब मनाया जाता है इसे, चैत्र के माह में मनाया जाता है। इसे कब मनाया जाता है, भादों में मनाया जाता है। इसे कब मनाया जाता है, कार्तिक में मनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं मेघनाद पर्व की। ये जो मेघनाद पर्व है ये भी गोंड जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। अब सवाल उठता है कि ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है फागुन माह में। क्या होता है कि ये जो गोंड जनजाति के लोग हैं ये मेघनाथ की पूजा करने के लिए ये फेस्टिवल मनाते हैं। क्या करते हैं कि किसी पर्टिकुलर एरिया में ये क्या करते हैं, मेघनाथ का स्तंभ बनाते हैं और उसके चारों ओर नृत्य गान करते हुए वो ये त्यौहार मनाते हैं। ठीक, कब मनाते हैं, फागुन के महीने में मनाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नवा अन्न की। नवा अन्न मतलब कि ये फिर से ये क्या शो कर रहा है, ये शब्द जो है नया अन्न को शो कर रहा है। दिवाली के बाद जब पूरी फसल पक जाती है तो गोंड जनजाति के लोग इस फेस्टिवल को मनाते हैं, और जो इनके स्थानीय देवी देवता होते हैं, नारायण देव हो गए, रात माई हो गई, इन सबको ये क्या करते हैं, धान की बालियां अर्पित करते हैं और इस फेस्टिवल को मनाते हैं। कब मनाते हैं, दिवाली के बाद मनाते हैं। अब हम बात करते हैं कर्मा फेस्टिवल की। जो ये जो कर्मा पर्व है, कर्मा त्यौहार है, ये सिर्फ गोंड जनजाति के द्वारा ही नहीं बल्कि बिंजवार, बैगा, उराव और कोरवा जनजाति के द्वारा भी मनाया जाता है। क्या होता है कर्मा फेस्टिवल, सबसे पहली बात तो कि आदिवासी जो इनका वन्य जीवन होता है और कृषि संस्कृति होती है उसमें श्रम की प्रधानता को लाने के लिए इस त्यौहार को मनाया जाता है। क्या होता है कि जो फसल की रोपाई और बुआई हो चुकी होती है और जब फसल पकने वाला रहता है तो इसके बीच का जो समय होता है, मतलब ये कौन सा समय होता है, नवरात्रि के बाद और वर्षा ऋतु से पहले का जो समय होता है, इस पूरे दौरान जो जहाँ पर किसानों का अवकाश काल होता है वहाँ पर ये क्या करते हैं, कर्मा फेस्टिवल मनाते हैं और कर्मा नृत्य करते हैं। मतलब कि ये जो कर्मा पर्व है, इस शब्द से ही आप समझ रहे हो कि ये कर्म प्रधान होता है, मतलब कि इनके जीवन में कर्म की प्रधानता का भाव लाने के लिए इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। आप ये फ्लो चार्ट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने नीचे अबू जमाड़िया, दोला और धुरवा लिखा है। इसका मतलब ये है कि ये जितनी भी जनजातियाँ हैं ये गोंड की उपजातियाँ हैं, और ये कौन कौन सा फेस्टिवल मनाती है ये इनके नीचे लिखा हुआ है। तो अबू जमाड़िया जनजाति जो है वो ककसार या कड़सार, कहीं कहीं किताबों में क्या लिखा है, ये कड़सार लिखा है, ये फेस्टिवल मनाती है। इस फेस्टिवल में होता क्या है, ये जो फेस्टिवल है ये माटी त्यौहार के बाद मनाया जाता है। माटी त्यौहार कब मनाया जाता है, चैत्र के माह में मनाया जाता है। तो माटी तिहार के बाद गर्मी से लेके बरसात के बीच में
इस जनजाति के लोग क्या करते हैं कि अपने गोत्र के जो अपने जो गोत्रीय देवी देवता होते हैं उनसे अच्छी फसल की कामना करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो फेस्टिवल होता है वो गोत्रीय देव पूजन का फेस्टिवल होता है। इस टाइम पे ये लोग नृत्य का आयोजन भी करते हैं और जो भी ये समारोह होता है उसमें कोई भी यदि लड़का किसी लड़की को पसंद कर लेता है तो उनका विवाह भी करा दिया जाता है, अर्थात अपने जीवन साथी चुनने का ये बहुत ही अच्छा अवसर होता है। आगे हम बात करते हैं दोरला जनजाति की। तो दोरला जनजाति कौन कौन सा फेस्टिवल मनाती है? लारू काज और भीमा जत्रा। आइए जानते हैं कि लारू काज क्या है। लारू काज जो है लारू और काज शब्द से मिलकर बना है, जिसमें लारू का अर्थ होता है दूल्हा और काज का अर्थ होता है अनुष्ठान, दूल्हे का अनुष्ठान। ये जो फेस्टिवल है वो सुअरों के विवाह का प्रतीक है। क्या होता है कि 9 से 12 वर्ष के अंतराल में नारायण देव के सम्मान में ये फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसमें सुअरों का विवाह किया जाता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि ये जो फेस्टिवल होता है वो सुअरों के विवाह का सूचक होता है। आगे हम बात करते हैं भीमा जत्रा की। देखिए यहाँ भी ये जो शब्द है भीमा जत्रा, यहाँ से इस फेस्टिवल इस नाम से ही पता चल रहा है कि ये कुछ भीमा देव से रिलेटेड है। क्या होता है कि ज्येष्ठ के माह में, चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़, मतलब कि ज्येष्ठ के माह में हर 3 साल के अंतराल में जो दोरला जनजाति के लोग होते हैं, दोरला मतलब जो कि गोंड की उप जाति है, इस जनजाति के लोग क्या करते हैं कि भीमा देव का जो विवाह है वो किससे करते हैं? पृथ्वी माता से करते हैं। पृथ्वी माता अर्थात धरती माता, अर्थात हर 3 साल में इस जनजाति के लोग भीमा देव का विवाह किससे रचाते हैं? धरती माता से रचाते हैं। और जो बस्तर का अन्य क्षेत्र है वहाँ पर अच्छी वर्षा की कामना के लिए इस समय कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? कपल पेंडुम त्यौहार मनाया जाता है। कपल पेंडुम मतलब कि मेंढकों का विवाह रचाया जाता है इस फेस्टिवल में, इसलिए इसे मेंढक विवाह फेस्टिवल भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि ये जो ककसाड़ है ये कब मनाया जाता है? गर्मी से लेकर बरसात के बीच में। ठीक, लारू काज कब मनाया जाता है? 9 से 12 साल के अंतराल में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? ये नारायण देव की सम्मान में मनाया जाता है, ये सुअरों के विवाह का सूचक होता है। भीमा जत्रा जो होता है इसमें क्या किया जाता है कि हर 3 साल के अंतराल में ज्येष्ठ के माह में क्या करते हैं कि भीमा देव का विवाह धरती माता से करा दिया जाता है। और अन्य क्षेत्रों में इसी समय क्या मनाया जाता है? कपल पेंडुम त्यौहार मनाया जाता है। आगे हम बात करते हैं हल्बा जनजाति की। तो हल्बा जनजाति के द्वारा धनकुल पर्व और बाली बर्फ फेस्टिवल मनाया जाता है। ये जो बाली बर्फ फेस्टिवल है ये भतरा जनजाति के द्वारा भी मनाया जाता है। आइए जानते हैं कि धनकुल फेस्टिवल क्या होता है और बाली बर्फ क्या होता है। धनकुल पर्व आप लोगों ने सुना होगा, धनकुल जगार, धनकुल, धनकुल एक वाद्य यंत्र होता है। धनकुल, धनकुल सिर्फ पर्व ही नहीं होता, धनकुल गीत भी होता है और धनकुल फेस्टिवल में ही धनकुल गीत को गाया जाता है। सबसे पहले हम ये बात कर ले कि ये कब मनाया जाता है। तो ये जो फेस्टिवल है ये किसी भी अवसर पर मनाया जाता है। बस्तर अंचल में विशुद्ध हल्बी बोली में जो भी गीत होता है वो दो गुरुमाएँ गाती है और ये फेस्टिवल मनाया जाता है। जगार का मतलब क्या होता है? जागरण होता है, मतलब पूरी रात जागकर इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। ठीक, क्या होता है इसमें? तो ये जो है बस्तर की संस्कृति, बस्तर का ये धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन होता है, जिसमें बस्तर की संस्कृति का सामाजिक परिवेश, उसकी धार्मिकता और उसके पौराणिक आख्यानों को पेश किया जाता है। ठीक, अब ये किस किस अवसर पर मनाया जाता है? तो मैंने कहा किसी भी अवसर पर मनाया जाता है, लेकिन स्पेशली ये 4 प्रकार के अवसर पर मनाया जाता है। जैसे कि तीजा, तीजा मतलब कि तीजा के फेस्टिवल पे इस जगार का आयोजन किया जाता है। आठे मतलब कि जन्माष्टमी, आठ मतलब कि जन्म अष्टमी, जो कृष्ण जी का जो जन्म है वो अष्टमी को हुआ था, तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन होता है। लक्ष्मी जगार मतलब कि लक्ष्मी की पूजा के टाइम, और बाली मतलब कि जब धान की बालियां आती है। इन 4 अवसरों पर स्पेशली जो धनकुल पर्व है वो मनाया जाता है। धनकुल वाद्य यंत्र होता है मटकी, सूपे और धनुष का इस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है, और जो दो गुरुमाएँ होती है वो इस वाद्य यंत्र को बजाती है और पौराणिक आख्यान जो कथाएं होती है वो सुनाती है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं बाली बर्व। ये जो बाली बर्व होता है ये हल्बा और भतरा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, किसी भी अवसर पर मना सकते हैं। क्या होता है कि जब भी इस त्यौहार का आयोजन किया जाता है तो बहुत ही बड़े पैमाने पर किया जाता है, जितने भी ग्रामवासी होते हैं
वो पहले धन संग्रहण करते हैं, धन इकट्ठा करते हैं और उसके बाद इस त्यौहार का, इस फेस्टिवल का आयोजन करते हैं। जब ये फेस्टिवल स्टार्ट होता है तो ये लगातार 3 माह तक चलता है। ये जो फेस्टिवल होता है वो भीमा देव को समर्पित होता है, इसलिए जो भीमा देव की जो देवगुड़ी परिसर होती है, मतलब जहाँ पर उनकी पूजा की जाती है, वहाँ पर इस फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। वहाँ पर सेमल वृक्ष का जो स्तंभ होता है उसका विशेष महत्व होता है। ये क्या करते हैं कि उस एरिया में सेमल वृक्ष का स्तंभ लगाते हैं और उसके चारों ओर ये नृत्य गान करते हैं। लगातार 3 महीने तक ये फेस्टिवल चलता है। इस टाइम क्या होता है कि जो देवी देवता होते हैं वो आदिवासियों पर चढ़ते हैं, जो देवता होते हैं वो नृत्य करते हैं, मतलब कि जो भी आदिवासी जिन पर चढ़े होते हैं देवता, वो आदिवासी नृत्य करते हैं और जो महिलाएं होती हैं वो कांटों पर झूलती हैं। तो इस प्रकार से ये फेस्टिवल मनाया जाता है। अच्छा, मैं आप लोगों को ये धुरवा जनजाति के जो फेस्टिवल्स हैं वो बताना भूल गई थी। तो देखिए, यहाँ पर धुरवा जनजाति के द्वारा कौन कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? आमा खाई, धुरवा पर्व और चैत्रही। ये जो आमा खाई है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि जब बस्तर अंचल में आम पक जाता है तो आम के पकने पर कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? आमा खाई फेस्टिवल मनाया जाता है। ये जो धुरवा पर्व होता है ये चैत्र प्रतिपदा से पूर्णिमा तक मनाया जाता है। आगे हम बात करेंगे चैत्रही की। तो ये तो चैत्रही फेस्टिवल है। इस फेस्टिवल में इन लोग क्या करते हैं कि मुर्गे और सुअर की बलि देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैगा जनजाति की। तो बैगा जनजाति के लोग कौन कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं? रतौना और रसनवा। ये जो रतौना है, ये इसका जो संबंध होता है वो नागा बैगा से होता है। नागा बैगा कौन है? जिनसे ये अपनी उत्पत्ति मानते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम बात करेंगे कोरवा जनजाति की। तो ये 3 फेस्टिवल मनाते हैं, बीज बोहनी, कोरा और ढेरसा। क्या क्या होता है? देखिए, बीज बोहनी नाम से ही समझ में आ रहा है कि बीज बोना। तो बीज बोने से पूर्व क्या होता है कि इस जनजाति के लोग ये फेस्टिवल मनाते हैं और ये कामना करते हैं कि हमारी जो फसल होगी वो अच्छी होगी। ठीक, नेक्स्ट ये कोरा फेस्टिवल। कोरा फेस्टिवल जो होता है वो भाद्रपद के महीने में कुटकी और गोंदली, जो कुटकी होता है और गोंदली मतलब कि जो प्याज होता है, उसके फसल काटने के बाद इन लोग कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं? कोरा फेस्टिवल मनाते हैं। उसी प्रकार जनवरी के माह में जब इन लोग सरसों की फसल को काटते हैं तब कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं? ढेरसा फेस्टिवल मनाते हैं। तो क्या क्या हमने जाना कि ये जो है बीज बोने से पहले ये फेस्टिवल मनाते हैं, कोरा जो होता है वो कुटकी और गोंदली के फसल काटने के बाद ये फेस्टिवल मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? भाद्रपद के माह में। और ये जो ढेरसा पर्व है ये कब मनाया जाता है? जनवरी के माह में मनाया जाता है, सरसों के फसल को काटने के बाद। ठीक, अब हम बात करेंगे उराव जनजाति की। तो उराव जनजाति के द्वारा सरहुल फेस्टिवल मनाया जाता है। जैसे कि आप लोग को पता है कि क्या होता है, ये जो सरहुल फेस्टिवल है ये उराव जनजाति का प्रमुख फेस्टिवल है और ये जो है वो जनजातियों के प्रकृति प्रेम का ये अद्भुत उत्कृष्ट उदाहरण है। कैसे? तो आइए जानते हैं कि उराव जनजाति के लोगों की जो आराध्या होती है वो कौन होती है? सरना देवी। ये किसकी पूजा करते हैं? सरना देवी की पूजा करते हैं। और इनकी मान्यताएं क्या है कि सरना देवी जो है वो साल वृक्ष पर निवास करती है। चैत्र माह में जब साल वृक्ष में फूल खिलते हैं तो ये लोग क्या करते हैं? सरहुल फेस्टिवल मनाते हैं। और उस फेस्टिवल में क्या करते हैं? वो साल वृक्ष के नीचे सरना देवी की लोग पूजा करते हैं, उसके चारों ओर घूम के लोग डांस करते हैं। इस अवसर पर क्या करते हैं, ये सूर्य और धरती माता दोनों का विवाह रचाते हैं। अब कैसे रचाते हैं? इन लोग क्या करते हैं कि जो मुर्गा होता है और जो काली मुर्गी होती है, मुर्गे को सूर्य का प्रतीकात्मक रूप मानते हैं और काली मुर्गी को धरती माता का प्रतीकात्मक रूप मानते हैं और उन दोनों का विवाह रचाते हैं। तो इस प्रकार ये जो विवाह रचा रहे हैं ये सूर्य और किसकी? धरती का विवाह रचा रहे हैं। इसलिए ये प्रकृति प्रेम का उत्कृष्ट उदाहरण है। और क्या होता है कि ये सरना देवी की पूजा करते हैं इस समय। ठीक, नेक्स्ट हम बात करेंगे ये जो हमारा आखिरी ऑप्शन है, लगभग सभी जनजातियों में, मतलब कि ये जो अमूस त्यौहार है, दियारी है, चरू जात्रा है, गोंचा पर्व है, गोबर बोहरानी है और बासी त्यौहार है, ये सारे फेस्टिवल जो हैं वो लगभग सभी जनजातियों में मनाए जाते हैं। मैंने यहाँ पर शब्द यूज़ किया लगभग, तो ये आप याद रखिएगा। तो आइए लाइन से जानते हैं कि ये सारे फेस्टिवल क्या होते हैं, कैसे मनाते हैं इनको। अमूस त्यौहार जो है वो हरेली अमावस्या के दिन मनाया जाता है। हरेली अमावस्या कब होता है? सावन अमावस्या के दिन होता है। छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्रों में हरेली का फेस्टिवल मनाया जाता है। तो उस टाइम बस्तर अंचल में कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं? अमूस त्यौहार मनाते हैं। अब इस त्यौहार में होता क्या है? ये जो त्यौहार होता है ये स्पेशली जो पशु औषधि होती है
उनकी पूजा की जाती है, जिसमें भी रसना और शतावरी के पौधों का विशेष महत्व होता है। इस दिन क्या होता है कि जो भी पशु औषधि होते हैं, मतलब कि जो पशुओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो भी औषधियों का यूज किया जाता है, जब वो बीमार होते हैं तो जिन औषधियों से उनका इलाज किया जाता है, वो सारे वनस्पति, वो सारे पेड़ पौधों की क्या की जाती है, इसमें पूजा की जाती है। कब मनाया जाता है ये? हरेली अमावस्या के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दिवाली। दिवाली आप लोगों ने सुना होगा कि जब पूरे भारत में दिवाली का फेस्टिवल मनाया जाता है, जब छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में दिवाली का फेस्टिवल मनाया जाता है, तब बस्तर के लोग यहाँ पर दियारी मनाते हैं। इसलिए इसे बस्तर का दिवाली भी कहते हैं। इस फेस्टिवल में क्या होता है, बैलों को खिचड़ी खिलाया जाता है। जो चरवाहा लोग होते हैं पशुओं को जिन स्थान में चराने के बाद आराम करने के लिए, विश्राम करने के लिए छोड़ जाते हैं, उस स्थान में क्या किया जाता है, उन बैलों को खिचड़ी खिलाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। तो इस प्रकार से दियारी फेस्टिवल मनाया जाता है। मतलब कि इस दिन ये क्या करते हैं, अपने पशुधन का सम्मान करते हैं। ठीक, चरू जात्रा जो होता है ये इस दिन क्या होता है कि जो जनजाति लोग होते हैं वो कृषि भूमि की पूजा करते हैं। इसमें महिलाएं शामिल नहीं होती, जो भी आदिवासियों की जनजातियों की जो कृषि भूमि होती है उसकी ये पूजा करते हैं। और मुर्गा, बकरा, हंस, जिसकी भी, इन सबकी ये क्या करते हैं, बलि देते हैं। अब हम बात करेंगे गोंचा पर्व की। क्या होता है, बहुत सुना होगा आप लोगों ने गोंचा पर्व। सबसे पहले तो बात, ये जो गोंचा पर्व होता है ये रथ यात्रा होता है। अब रथ यात्रा जो होता है वो बस्तर अंचल में दो समय में होता है। एक तो बस्तर के दशहरे का टाइम में होता है और दूसरा आषाढ़ शुक्ल द्वितीया से स्टार्ट होता है। ठीक, तो ये जो हम अभी गोंचा पर्व की बात कर रहे हैं, हम ये आषाढ़ शुक्ल द्वितीया की बात कर रहे हैं, जहाँ पर जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है। क्या जगदलपुर में सिरहासार चौक है, सिरहासार भवन है, उसके वहाँ पर उस एरिया में क्या है, जगन्नाथ जी का मंदिर है। वहाँ से क्या होता है कि आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को जगन्नाथ जी की मूर्ति को वहाँ से उठाकर रथ विराजमान कराते हैं और लगातार 9 दिन तक वो जो रथ होता है वो क्या करता है, पूरे उस अंचल में घूमता है और लगातार 9 दिन तक ये रथ यात्रा चलती है। और 10वें दिन क्या होता है, जगन्नाथ जी की मूर्ति को वापस मंदिर में विराजमान करा दिया जाता है। जो 10वां दिन होता है उस दिन जो आदिवासी होते हैं वो विशेष रूप से तुक्कियां चलाते हैं। तुक्कियां जो होता है वो एक वाद्य यंत्र होता है बोल सकते हैं, जिसे उन लोग क्या करते हैं, बजाते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम बात करेंगे गोबर बुहरानी की। ये जो फेस्टिवल है गोबर बुहरानी, ये जो है दक्षिण बस्तर का जो छिंदगढ़ विकास खंड है उसके कुछ गांवों में मनाया जाता है। ये 10 दिन का फेस्टिवल होता है, टोटल 10 दिन का फेस्टिवल होता है। और कब मनाया जाता है, ये चैत्र माह में मनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि गांव का कोई भी जो मैदानी एरिया होता है, यहाँ पर ये अपने स्थानीय देवी देवताओं को क्या करते हैं, स्थापित करते हैं और वहाँ सुबह वो अपने शस्त्र की पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद वो जंगल जाते हैं शिकार पे, फिर वो शिकार करने, शाम को शिकार से लौटते हैं, अपने घर में भोजन करते हैं और शाम को फिर से वो जो मैदानी क्षेत्र होता है जहाँ पर वो देवी की स्थापना किए होते हैं वहाँ पर वो वापस जाते हैं और नृत्य गान करते हैं। ये डेली, ये 9 दिन तक ये मनोरंजन होता है। और वहीं पर उस मैदानी एरिए में एक छोटा सा गड्ढा होता है जहाँ पर ये रोज थोड़ा 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 करके गोबर डालते हैं। 9 दिन तक ये लगातार ऐसा चलता रहता है कि वो जो भी आदिवासी होते हैं सुबह अपने शस्त्र की पूजा करते हैं, फिर जंगल जाते हैं, शिकार करते हैं, वापस आते हैं, घर में भोजन करते हैं, मनोरंजन करते हैं और गोबर धीरे थोड़ा थोड़ा उस गड्ढे में सभी के सभी गोबर डालते हैं। 10वें दिन क्या होता है, जो गोबर होता है ये गायन करते करते ये जो गोबर होता है उसको एक दूसरे के ऊपर छिड़कते हैं, आप शब्दों का यूज़ करते हैं। ये आखिरी दिन होता है इनके फेस्टिवल का। समापन के समय ये क्या करते हैं, इस गोबर का थोड़ा सा भाग अपने साथ ले जाकर अपना जो खेत होता है, इनकी जो कृषि भूमि होती है उसमें डाल देते हैं। ये जो फेस्टिवल होता है इसका जो उद्देश्य होता है ये अच्छी खेती के लिए, फर्टाइल कृषि भूमि के लिए ही होती है और ये इस उद्देश्य से ये फेस्टिवल ये लोग मनाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बासी तिहार। ये जो फेस्टिवल होता है ये वर्ष में आने वाले सभी त्योहारों का अंतिम पड़ाव होता है और इस त्यौहार में लोग क्या करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, नृत्य गायन करते हैं, डांस करते हैं, जो भी इनको मनोरंजन का कार्य करना होता है वो करते हैं। अब सवाल उठता है ये फेस्टिवल मनाया कब जाता है, ये जो फेस्टिवल है ये अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। तो ये है जनजातियों का पर्व और त्यौहार।
इससे रिलेटेड CGPSC में हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है। यदि आप प्री का एग्जाम दिला रहे हैं तो भी ये जो वीडियो है वो आपको बहुत ही ज़्यादा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और यदि आप मेंस का एग्जाम दिलाने वाले हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको यदि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप उसका आंसर लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने बात किया जनजातीय पर्व और त्यौहार की, हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे जनजातीय नृत्य की, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जनजातीय गीत की और फिर आखिर में हम बात करेंगे जो इनके द्वारा जो भी लोक नाट्य किया जाता है उसके बारे में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।